हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंश अगेन। सो फ्रेंड्स, आने वाले सितंबर मंथ के अंदर आपको कई बढ़िया बढ़िया और अच्छे अच्छे स्मार्टफोन मार्केट के अंदर देखने को मिलेंगे, और इन सभी स्मार्टफोन्स के अंदर आपको बढ़िया फीचर्स भी मिलेंगे और इन स्मार्टफोन का लुक और इनका डिजाइन भी बढ़िया होगा। और इनमें से ज्यादातर स्मार्टफोन्स आपको मिड रेंज के अंदर देखने को मिलेंगे, यानी दोस्तों ज्यादातर स्मार्टफोन्स का प्राइस 20 से 25 हजार रुपए के आसपास होने वाला है। तो दोस्तों, इसी को देखते हुए मैं आज की इस वीडियो में तीन अपकमिंग स्मार्टफोन को कम्पेयर करने जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कम्पेयर करेंगे पोको X3, सैमसंग गैलेक्सी M51 और रियलमी X7 प्रो स्मार्टफोन को, क्योंकि दोस्तों इन तीनों स्मार्टफोन का प्राइस लगभग एक जैसा होगा और इनके अंदर आपको फीचर्स भी लगभग एक जैसे ही मिलेंगे। तो दोस्तों, यदि आप एक बढ़िया और अच्छा मिड रेंज स्मार्टफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए इन तीनों स्मार्टफोन के लुक और इनके डिजाइन की, तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M51 और पोको X3 स्मार्टफोन का फ्रंट पैनल आपको एक जैसा देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इनके अंदर आपको पंच होल नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगी। और दोस्तों, अगर इनके बैक पैनल की बात की जाए तो दोस्तों तीनों स्मार्टफोन का बैक पैनल अलग अलग टाइप का होगा, लेकिन दोस्तों इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग पोको X3 स्मार्टफोन का बैक पैनल होगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आप अलग टाइप का ही कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिस तरह से आप वीडियो में देख भी सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इनके फीचर्स की बात की जाए तो दोस्तों इन तीनों ही स्मार्टफोन की लगभग अब सभी स्पेसिफिकेशन सामने आ चुकी हैं, और इन तीनों ही स्मार्टफोन कंपनियों ने अपने अपने स्मार्टफोन के टीजर को भी जारी कर दिया है। तो दोस्तों, रियलमी X7 प्रो स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी 6.55 इंच की फुल HD सुपर एमोलेड पंच होल नोच डिस्प्ले देगी, जो कि 1080x2400 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ होगी, और इसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 होगा, और इसके अंदर आपको 120 Hz रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट मिलेगा। जबकि दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन की बात की जाए तो दोस्तों इस स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी 6.67 इंच की फुल HD सुपर एमोलेड पंच होल नोच डिस्प्ले देगी, जो कि 1080x2400 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ होगी, और इसका एस्पेक्ट रेशियो भी 20:9 होगा। वहीं अगर दोस्तों पोको X3 स्मार्टफोन की डिस्प्ले की बात की जाए तो दोस्तों इस स्मार्टफोन अंदर भी आपको कंपनी 6.67 इंच की फुल HD IPS पंच होल नोच डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि 1080x2400 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ होगी, और इसका एस्पेक्ट रेशियो भी 20:9 होगा, और इसके अंदर भी आपको 120 Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों, अगर इन तीनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के डिफरेंस की बात की जाए तो दोस्तों साइज के मामले में पोको X3 और सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन आगे है, इनके अंदर आपको बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलेगी, लेकिन दोस्तों क्वालिटी के मामले में रियलमी X7 प्रो और सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन आगे है, क्योंकि दोस्तों इनके अंदर आपको सुपर एमोलेड का पैनल देखने को मिलेगा और इनके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इन तीनों ही स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में। तो दोस्तों, अगर बात की जाए रियलमी X7 प्रो स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के बैक पैनल के ऊपर आपको कंपनी 64 MP, 8 MP, 2 MP और 2 MP का रियर कैमरा और 32 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा दे सकती है, जबकि दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन के अंदर आपको इसके बैक पैनल के ऊपर 64 MP, 12 MP, 5 MP और 5 MP का रियर कैमरा और 32 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। जबकि दोस्तों बात की जाए पोको X3 स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के बैक पैनल के ऊपर आपको कंपनी 64 MP, 8 MP, 2 MP और 2 MP का रियर कैमरा और 20 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा देने वाली है। तो दोस्तों, अगर इन तीनों स्मार्टफोन की कैमरा के डिफरेंस की बात की जाए तो दोस्तों रियर कैमरा के मामले में तीनों ही स्मार्टफोन सेम रहेंगे, तीनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको 64 MP का प्राइमरी कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों फ्रंट कैमरा के मामले में रियलमी X7 प्रो और सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन आगे रहेगा, क्योंकि दोस्तों इनके अंदर आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जिनसे आप बड़ी अच्छी सेल्फी ले सकते हैं और वीडियो कॉलिंग आदि कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इन तीनों स्मार्टफोन के वेरियंट्स के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए रियलमी X7 प्रो स्मार्टफोन की, तो दोस्तों यह स्मार्टफोन आपको मार्केट में 6 GB और 8 GB रैम के साथ देखने को मिलेगा, जिसके साथ आपको 64 GB और 128 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन की, तो दोस्तों यह स्मार्टफोन भी आपको मार्केट में 6 GB और 8 GB रैम के साथ देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों इसके अंदर आपको 128 GB रैम का वेरिएंट मिलेगा। जबकि दोस्तों बात की जाए पोको X3 स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को कंपनी मार्केट में 4 GB, 6 GB और 8 GB रैम के साथ उतार सकती है, जिसके साथ आपको 64 GB और 128 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा, और इन तीनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको दोस्तों माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इन तीनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए रियलमी X7 प्रो स्मार्टफोन की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000+ का चिपसेट देगी, और यह मोबाइल एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया जाएगा, जो कि रियलमी UI के ऊपर काम करेगा, और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको Mali G77 का GPU देखने को मिलेगा। जबकि दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन की बात की जाए तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 730 SoC का चिपसेट देगी, और यह मोबाइल भी एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लॉन्च किया जाएगा, और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको Adreno 618 का GPU देखने को मिलेगा। वहीं अगर दोस्तों
दोस्तों पोको X3 स्मार्टफोन के प्रोसेसर की बात की जाए तो दोस्तों इस स्मार्टफोन आपको कंपनी स्नैपड्रैगन 732 SoC का चिपसेट देगी और ये मोबाइल एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लॉन्च किया जाएगा और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको एडीनो 619 का GB देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर इन तीनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर की डिफरेंस की बात की जाए तो दोस्तों वैसे तो तीनों ही स्मार्टफोन अंदर आपको बढ़िया और अच्छा पावरफुल चिपसेट देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों रियलमी X7 प्रो स्मार्टफोन अंदर आपको मीडियाटेक का लेटेस्ट चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि दोस्तों स्नैपड्रैगन 730 और 732 SoC के मुकाबले में ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देगा और यह 5G कनेक्टिविटी के सपोर्ट के साथ भी आएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में। दोस्तों अगर बात की जाए रियलमी X7 प्रो स्मार्टफोन की बैटरी की तो दोस्तों इस स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी 65 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 4500 mAh की बड़ी और अच्छी पावरफुल बैटरी दे सकती है, जबकि दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन अंदर आपको 25 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 7000 mAh की बड़ी और अच्छी पावरफुल बैटरी देखने को मिलेगी। वहीं अगर दोस्तों पोको X3 स्मार्टफोन की बैटरी की बात की जाए तो दोस्तों इस स्मार्टफोन अंदर आपको कंपनी 33 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5160 mAh की बड़ी और अच्छी पावरफुल बैटरी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर इन तीनों स्मार्टफोन की बैटरी के डिफरेंस की बात की जाए तो दोस्तों बैटरी के साइज के मामले में सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन आगे रहेगा। इसके अंदर आपको दोस्तों कंपनी बहुत ही बढ़िया और अच्छी पावरफुल बैटरी देने वाली है जिससे आपको यह स्मार्टफोन लॉन्ग पावर बैकअप देगा, लेकिन दोस्तों इस स्मार्टफोन अंदर आपको फास्ट चार्जर सिर्फ 25 वाट का ही देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों रियलमी X7 प्रो स्मार्टफोन अंदर आपको 65 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा और आपको कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। दोस्तों वैसे तो इन तीनों स्मार्टफोन का प्राइस लगभग आपको 20 से 25 हजार रुपए के बीच में देखने को मिलेगा और इन तीनों स्मार्टफोन अंदर आपको फीचर्स भी बढ़िया मिलते हैं, लेकिन दोस्तों यदि आप एक बढ़िया अच्छा 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों आप रियलमी X7 प्रो स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं, लेकिन दोस्तों मुझे इनमें से पोको X3 स्मार्टफोन बहुत ही ज्यादा पसंद आया क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन का लुक और इसका डिजाइन भी बढ़िया है और इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट चिपसेट देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन भी आपके लिए बढ़िया रहेगा और यह एक नॉन चाइनीज कंपनी का स्मार्टफोन है। बाकी दोस्तों आपको इनमें कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।